One more, sir. Thank you. One second. Thank you. Vishal, me? Vijay, do you? I'm going to get a little bit of the part on you. पोस्टर दिखाइए। अरे एक तो बहुत अच्छी है और रणदीप हुड्डा तो है ही बड़े अच्छे कलाकार। आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज बेस्ट परफॉर्मेंसेस सो फार जो मैंने अब तक उनकी फिल्मों में देखा है। ही इज ऑसम, रियली एंटरटेनिंग। क्या पसंद आ रहा है? आई थिंक सबसे ज़्यादा तो रणदीप का परफॉर्मेंस अच्छा लग रहा है और एक अलग सी स्टोरी है उनके बारे में, सो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। और काफ़ी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रोल्स है इसमें और अक्षय का भी अच्छा है और रणदीप का भी अच्छा है। इस साल क्रिकेटर्स पे तीन फिल्में आ रही हैं, अजहर, एमएस धोनी और सचिन, तो कितने एक्साइटेड हो आप, क्या कहना चाहेंगे इसके बाद? क्रिकेट तो हम सब प्रेमी हैं, तो हमें जो क्रिकेट लगा तो मैं तो यही कहूँगा कि एक तो सचिन के ऊपर आधारित है जो वो तीनों अलग अलग फिल्में यार। अजहर तो मतलब बचपन में मैं अजहर से बहुत प्यार करता था और जवानी में सचिन और अब धोनी से, तो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट। चीयर्स, बाय। यार मैं इसको देख के मुझे और कुछ नहीं होता, मैं सिर्फ स्माइल करते रहता हूँ यार। ये मेरा भी कुछ हालत ऐसा ही है, ये बस हालत ऐसी हम लोग की यार, एक दूसरे को देखिए हम स्माइल करते रहते हैं। एक्चुअली तेरे को हुडा होना चाहिए था और मैं पीछे बैठ के तेरे को स्माइल करना चाहिए था एक्चुअली। नहीं लेकिन यार ये आदमी कौन है यार? हाँ, अमेजिंग आदमी। उफ़, ये आदमी मतलब यही कहना चाहता हूँ मैं, ये आदमी कौन है? इतनी अच्छी एक्टिंग की, इतना अच्छा किरदार निभाया है, ये तो यार ये मतलब प्यार है यार, प्यार है भाई जैसा। देखिए स्क्रीन पे हंसी आती है, हंसना है और प्यार भरा ऐसा फीलिंग होता है मेरे को यार, और दोनों को इट्स म्यूचुअल। इसका बायस इसे मत पूछ मेरे बारे में, सिद्धांत से भी मत पूछो। क्योंकि अक्षय आपके साथ खड़े हुए हैं तो इसका मतलब इतनी अब ब्राई नहीं करेंगे, डिसाइड नहीं करेंगे। मैं चले जाऊंगा फिर, ऐसे मत करो। नहीं, ही इज गॉट ब्रिलियंट प्रेजेंस, ही नोस दैट, आई थिंक, आई डोंट हैव टू टेल हिम, ही इज गॉट ब्रिलियंट प्रेजेंस एंड आई नो दैट, इट्स यू नो दैट एंड you feel nice looking at him on screen, you know what I mean? You just bring a smile on your face to me, and I hope that is the case with everybody. Dost se mat puchho aap. Yeah, main dost. Lekin ek cheez kehna chahunga, hamare Indian actoron se top contender Spider-Man ki movie ke liye अक्षय होगा नंबर टू, मैं लेकिन नंबर वन अक्षय होगा। स्पाइडरमैन अगर आपको इंडिया में बनाना है, नंबर वन टॉप कंटेंडर स्पाइडरमैन, दिस गाय, आई कैन इमेजिन एवरी टाइम ही कम्स ऑन स्क्रीन, आई एम लाइक शिट, दैट स्पाइडरमैन, ओह माय गॉड, इट्स स्पाइडरमैन। बट आई मीन जोक्स अपार्ट, नो, ही इज अमेजिंग एंड ग्रेट टू वॉच। लेट मी आस्क समथिंग एल्स, कि इसी साल तीन फिल्में आ रही हैं, उन क्रिकेटर्स पे आ रही है, सचिन, एमएस धोनी और दिस वन मोर अजहर, जी यार इंस्टीट्यूशंस है तीनों, तो कहानी बनती है, स्टोरी बनती है, लेकिन अलग अलग कहानी है मेरे ख्याल से, एक हर एक की। हाँ, बट स्पोर्ट्स के ऊपर जो भी फिल्में बनी हैं वो अच्छी रहती हैं, मज़ेदार होती हैं, एक्साइटमेंट होता है उसमें। एब्सोल्युटली, श्योर ये अच्छी रहेंगी फिल्में, अच्छे ही रहेंगे। धोनी का एक्चुअली ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं,
मेरे ख्याल से जो उनकी एक्चुअल स्टोरी है कहाँ से कहाँ तक आए आई मीन तो आई एम वेरी ट्रेन टिकट कंडक्टर टिकट कलेक्टर आई मीन अमेजिंग एंड देन ही यूज्ड टू प्ले फुटबॉल समवेयर आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर धोनी एक्चुअली MS Dhoni. Happy, thank you very much. Thank you. अरे यार कुछ ज़्यादा नहीं है थैंक यू रेडी पागल है I can't wear goggles at night. अब तक तो फिल्म बहुत ही ज़बरदस्त चल रही है ऑब्वियसली इट्स ओनली हाफ वे पॉइंट अक्षय इज़ अ वेरी वेरी ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन तो उसने काफ़ी कुछ बताया मुझे इसके बारे में पहले जो इलीगल ब्लड ट्रेड चलता है इट्स एक्चुअली द फर्स्ट टाइम आई हर्ड अबाउट इट लेकिन ये देख कर आई एम क्वाइट शॉक्ड आई हैव टू से कि क्या क्या चल रहा है ऑब्वियसली आई हैव ऑलवेज बीन अ फैन ऑफ रणदीप मुझे उनका काम बड़ा ही अच्छा लगा है इन द पास्ट और इस फिल्म में उन्होंने He has done a really, really fantastic job. I'm very keen to see कि second half में होता क्या है. It's already set up to a very, very dramatic place. Okay, you know, don't think आपको ऐसे dark film लगनी चाहिए. मादावाली या रोमांचक करने से Delhi वाली तो उसके बाद आप इस फिल्म को बढ़ा दिया है और लोगों का पसंद लगा. Honestly, मैं ऐसे कभी सोचा नहीं है कि मैं मुझे इस type की film करनी है या उस type की film करनी है. जो कहानी मुझे excite करती है, मुझे लगता है कि entertaining है, मैं वो करता हूँ. I don't think in terms of genre ke mujhe ye karna hai wo karna hai I think that's a very limited way of thinking to abhi jaise ek question ye bhi hai ki is saal ki film aa rahi hai cricketers ke journey mein Sachin MS Dhoni and there is one more ha correct correct to kitne excited hai aur kya kya anticipate kiya hua film ke bare mein kaise kya hogi aur kitna kaun se dekhenge सच कहूँ तो I've not really been following कौन सी फिल्म आ रही है तो I'm sure बहुत ही अच्छी बन रही होंगी हाँ he's had a very interesting life I'm sure that there's a lot of interesting material there किन से थैंक यू एंटिसिपेट तो नहीं किया है लेकिन जो पिया रणदीप और अक्षय का जो कैरेक्टर है बहुत स्ट्रांग है पिया इज़ वेरी फनी इन द फिल्म अक्षय इज़ प्लेइंग द इनोसेंट गाय वेरी वेल एंड रणदीप इज़ दर यू नो द स्ट्रांग कैरेक्टर इन द फिल्म काफ़ी अच्छी है काफ़ी ग्रिपिंग है बहुत सेंसिटिव टॉपिक है बाकी के कैरेक्टर्स है वो भी बहुत कन्विंसिंग है फिल्म में तो अच्छी लग रही है अभी जो टाइम था मेरे डैड का और जो अभी टाइम है वो काफ़ी अलग है डिफरेंट है लेकिन इंडियन ऑडियंस है वो एक्सेप्ट करी है ऐसी फिल्में जो रियल है जो हार्ड हिटिंग है जो रॉ है जो रियलिस्टिक है तो आई थिंक ये काफ़ी चलेगी बिकॉज पूरे हिंदुस्तान में पता चल जाएगा कि ऐसा हुआ है कभी यू नो ट्रेडिंग ऑफ ब्लड एंड बहुत सेंसिटिव टॉपिक है तो आई थिंक पीपल विल गो एंड वॉच इट यार जो क्रिकेट की फिल्म्स हैं वो मैंने भी ऐसे फटाक करके फिल्म क्रिकेट के ऊपर ही ख़त्म की है बट क्रिकेट जो हिंदुस्तान का मोस्ट वॉच स्पोर्ट है मुझे जो ऐसा लगता है हॉकी से जो ज़्यादा है आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि धोनी के ऊपर फिल्म बन रही है सचिन के ऊपर बन गई है एंड ऑल्सो ऑन अजहर्स लाइफ ये तीनों की ज़िंदगी में काफ़ी ऊपर नीचे चीज़ें हुई है तो लोग वो भी देखने जाएंगे तो बॉलीवुड एक्सप्लोर कर रहा है स्क्रिप्ट नए स्क्रिप्ट नए नए वर्सटाइल स्क्रिप्ट बेसिकली यू नो डिफरेंट काइंड ऑफ तो ऑडियंस को पसंद आएगी ज़रूर बिकॉज अभी स्क्रीन्स भी बढ़ रही है ऑडियंस भी बढ़ रही है ये सब चीज़ों के लिए फेस्टिवल्स में भी जा रही है फिल्म ये सब तो आई थिंक इट्स अ प्लस पॉइंट फॉर बॉलीवुड ओवरऑल थोड़ा धीरे धीरे टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा कर लूँगा वाई नॉट मेरे डैड है कर लूँगा बट वो 3 पार्ट की फिल्म बनेगी काफ़ी ऊपर हाँ काफ़ी 30-40 ईयर्स का जो है टाइम करेगा देखिए अभी इंटरमिशन हुआ है फिल्म का तो
two things which have really impressed me are Randeep and Akshay. I think they are very good. And also, see, if your performances are superb, then you are engaged. आपको देखना है कि एक्टर्स और आगे क्या कमाल कर रहे हैं. अच्छा, सब्जेक्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ब्लड ट्रैफिकिंग के ऊपर है. पहली बार आई थिंक ऐसा कोई सब्जेक्ट बन रहा है, सो इंटरेस्टिंग है. बॉलीवुड में नई नई कहानियाँ, राइटर्स इतनी हिम्मत जुटा पा रहे हैं कि अच्छी कहानियों और कहानियाँ लिख पाए, कितनी खुशी है आपकी अब नई नई फिल्में देखने को मिल रही है. बहुत रिफ्रेशिंग है, बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग है जब आप अलग अलग सब्जेक्ट्स की स्टोरीज आगे देख. देखिए, आज की इस साल की जितनी हिट फिल्में रही हैं उनके सारे कॉन्सेप्ट्स अलग हैं. सो ऑब्वियसली कॉन्टेंट हैज़ ऑलवेज बिन द किंग. और ऐसा नहीं है कि अब कॉन्टेंट चल रहा है, सालों से कॉन्टेंट चला आ रहा है. और अगर आपको फिल्म देखनी है तो ऑब्वियसली कॉन्टेंट के लिए, परफॉर्मेंसेज के लिए, उसकी डायरेक्शन के लिए, वो किस क्या अगर कोई मैसेज दे रही है तो क्या कह रही है फिल्म आपसे, आप कितना फिल्म से ले पाते हैं. हर फिल्म हो या टी वी सीरियल हो या जो भी पीस ऑफ फिक्शन हो, उससे एक ऑडियंस को कितना मिल रहा है ये देखा जाता है. और आजकल इतना कुछ दे रही हैं फिल्में. अभी जंगल बुक रिलीज़ हुई, वो इतनी अच्छी बेहतरीन फिल्म थी, मुझे तो बहुत पसंद आई. सो आजकल फिल्में बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट्स और लोग पसंद कर रहे हैं, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. सिर्फ वो एक रोमांटिक, वो उसका भी एक अपना ही चार्म है, यू नो, रोमांस का, रोमांटिक कॉमेडीज का, और इसका भी अपना चार्म है. अच्छा है, सब तरह के ऑडियंस को टारगेट किया जा रहा है. हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. हालांकि मैं क्रिकेट बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करती हूँ, आई थिंक मैं उन कम लोगों में से हूँ जो ज़्यादा क्रिकेट को फॉलो नहीं करते. लेकिन मुझे धोनी का, सुशांत का ट्रेलर बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लगा. और सचिन की तो मैं बहुत, जो ऐसा कौन है जो सचिन का फ़ैन नहीं है. और अज़हर भी मुझे देखनी है क्योंकि उसका थिएट्रिकल मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा. और तीनों ही मतलब कमाल लग रहे हैं, तीनों लिविंग लेजेंड्स हैं. सो आई वुड लाइक टू वॉच ऑल थ्री. आई वुड लव टू वॉच ऑल थ्री एंड देन फॉर माई जजमेंट. लाइफ तो हमको मोटी 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 तरह, यू नो, लेवल पे पता ही है कि उनकी लाइफ क्या है. किसने फिक्शनली उसको बेहतरीन तरह से अडेप्ट किया और कितनी ऑनेस्टी से दर्शाया है, वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है. क्योंकि आप जब बायोपिक्स देखते हैं तो आपको मन करता है कि आपको कुछ ऐसा पता चले जो आपको पता नहीं है, आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए. सो दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, विच इज़ द ऑनेस्ट ऑनेस्ट फिल्म. वो बातें नहीं हुई है, मैं नहीं था ना. कैसे नहीं बातें हुई, कितनी अच्छी फिल्म गुड़गांव बोलो. अभी अब बहुत सारी बुराई करी थी, अब करके दिखाओ. मेरी बुराइयां कर रही थी, मैंने कब बुराई की? गुड़गांव, देखिए हम अपने काम की तारीफ नहीं करते, हम सिर्फ इतना कहेंगे फिल्म बाजार में हमारी फिल्म जीत गई है. मैं करूँगा तारीफ, बहुत अच्छी. अक्षय सही पकड़ा मेरे तेरे को. आप क्या पूछ रहे थे उसके पहले? अपने फिल्मों के बारे, गोविंदा जी के बारे में क्या उनके ऊपर कोई फिल्म बने, कहानी बने तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि अगर गोविंदा जी पर बायोपिक बन रही है तो जब मेरे रोल की कास्टिंग होगी उसमें प्लीज़ मुझे ही लिया जाए. आई वुड लव टू प्ले माई सेल्फ, बट आई थिंक इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी बिकॉज ही इज़ समबडी हुज, उन्होंने ग्राउंड लेवल से शुरुआत की है और अपने बलबूते पर नाम कमाया है. हर कामयाब इंसान की जीवन में सिर्फ कामयाबी नहीं, बहुत सारा फेलियर भी वो एक्सपीरियंस करते हैं और कैसे उस फेलियर के साथ डील करते हैं, दैट इज़ द इंटरेस्टिंग पार्ट. इसलिए वो शायद कामयाब बन जाते हैं. बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में हम जानते नहीं हैं बट बहुत कामयाब ज़िंदगी जी रहे हैं वो. सो ऐसे लोगों की जब कहानी ऐसे कैमरा पर देखने को मिलती है बहुत मज़ा आता है देखने में. आई थिंक वन ऑफ द इंटरेस्टिंग बायोपिक्स विल ऑल्सो बी ऑफ, अभी एक और आ रही है ना बायोपिक, आई थिंक. देखिए जैसे नीरजा की जो कहानी थी वो कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी. हालांकि जो 90s की जनरेशन है उसको उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होगा क्योंकि वो 80s के बारे में, या तो आप रिसर्च करें. तो ऐसी सब कहानियाँ जब आगे आती हैं ना, जो बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज्ड कैरेक्टर्स नहीं हैं ऑन अ वर्ल्डली लेवल, बट दे आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंस्पायरिंग स्टोरीज, दे शुड कम आउट भी जो ज़्यादा जानते नहीं हैं आप इसी के बारे में. दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू. थैंक यू सो मच सर. वो भी बाइडम लेके जाए पूरी फिल्म के बारे में. डेफिनेटली. थैंक यू. थैंक यू रागिनी.